चाइना की बुलेट ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं है भाई। चाइना की जो स्पीड में चलती है और अफोर्डेबिलिटी, 200 किलोमीटर मुझे 50 मिनट के अंदर पहुंचा भी दिए और तकरीबन 800 रुपए में। भाई इतने लोगों में मुझे लग रहा है सिर्फ मैं एक फॉरेनर और मैं सिर्फ एक इंडियन हूँ, बाकी सारे चाइनीज है। भाई देखिए भाई 42,000 किलोमीटर लंबी लाइन है, दुनिया में इतनी बड़ी कहीं भी नहीं है। तकरीबन 66 से 67% पूरी दुनिया की जो बुलेट ट्रेन है वो सिर्फ चाइना में है। 30 नंबर तक का तो प्लेटफॉर्म यही दिख रहा है भाई, उसके आगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। और सफाई वगैरह देखिए यार, यार क्या खतरनाक ट्रेन है यार, बहुत मस्त दिखी है। देखिए लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वक्त मैं शंघाई चाइना, आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो देखे रहेंगे आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा यहाँ मैं ज़्यादा टाइम और ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि भाई ये बड़ा शहर है, यहाँ लोग एकदम फास्ट लाइफ है, यहाँ कोई बात करने के लिए नहीं है, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई यहाँ उतनी मज़ा नहीं आ रही वीडियो बनाने के लिए। और भाई आज के इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले हैं भाई चाइनीज़ बुलेट ट्रेन से। भाई इससे पहले भी मैं बुलेट ट्रेन से ट्रैवल कर चुका हूँ सऊदी अरेबिया में, लेकिन यहाँ पहली बार एक्सपीरियंस होगा। और दुनिया की सबसे बड़ी बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन जो कनेक्टिविटी है 40,000 किलोमीटर की। तो यार इस वीडियो में हम ट्रैवल करेंगे शंघाई से हंजाऊ, हंजाऊ जो कि पास का एक शहर है, तकरीबन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। और भाई मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले हैं चाइना की बुलेट ट्रेन से, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है दुनिया में। और तकरीबन आप समझ सकते हो दुनिया की 2/3 जो बुलेट ट्रेन है वो सिर्फ चाइना में। बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है बुलेट ट्रेन का, दुनिया में इतनी बड़ी कहीं भी नहीं है। तकरीबन 66 से 67% पूरी दुनिया की जो बुलेट ट्रेन है वो सिर्फ चाइना में है। भाई जो यहाँ की बुलेट ट्रेन है उसका जो रूट है काफी लंबा लंबा, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग वो एकदम नॉर्थ में, वहां से लेके गंजाओ जो कि एकदम साउथ में सिटी है, तकरीबन 2300 किलोमीटर। इतने लंबे रूट में भी आप लोगों को यहाँ बुलेट ट्रेन देखने मिलेगी, ऐसा कुछ पड़ रहा था 2035 तक तकरीबन 70,000 किलोमीटर का रूट हो जाएगा चाइना में। तो भाई बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है यहाँ पर बुलेट ट्रेन का सिस्टम। और यहाँ से मुझे अंजाओ जाना है तो यहाँ तकरीबन हर आधे घंटे में ट्रेन है भाई, हर आधे घंटे में ट्रेन है। और जैसे कि आप लोगों को बताया 200 किलोमीटर है, लेकिन मुझे टाइम लगेगा सिर्फ 1 घंटा, 50 मिनट से 1 घंटा, 200 किलोमीटर के लिए 50 मिनट लगेगा भाई, तो इतनी ज़्यादा फास्ट चलती है। और साथ ही साथ एक नई बुलेट ट्रेन की भी टेस्टिंग हो रही है जो भाई 600 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, तकरीबन 2025 से स्टार्ट होगी, तो यार और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अभी तो 400-450 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस होता है। और सारी डिटेल मैं आप लोगों को बुलेट ट्रेन कैसी चलती है, क्या स्पीड है, सारी डिटेल जो है बुलेट ट्रेन की मैं धीरे धीरे आप लोगों को देते रहता हूँ। और इस वक्त मैं हूँ अपने हॉस्टल में, ये पुराना वाला हॉस्टल नहीं है जो पहले था, डे इन हॉस्टल, ये दूसरा वाला हॉस्टल है। भाई मैं वहाँ बुकिंग किया था 3 दिन के लिए और वो उसके बाद बुक हो गया था पूरा, उसके बाद कोई जगह नहीं थी उसमें, इसलिए दूसरा हॉस्टल में आ गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सराउंडिंग देखिए यहाँ की, ये सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी लंबी लंबी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है भाई, 30-30, 40-40 माले की। थोड़ा सा हॉस्टल की आप लोगों को झलक दे देता हूँ, देखिए भाई बैग लेके तैयार हो गया हूँ मैं एकदम, और ये सारा कॉमन एरिया है कुछ, ये देखिए। सबसे पहले इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना खाते हैं। हमारे रिसेप्शन पे भाई, इनको बोला कि टैक्सी बुक कर दो, तो भाई बुक कर दिए, टैक्सी कमिंग, यस ओके। तो भाई 2-3 मिनट में टैक्सी आने वाली है भाई। ये हमारा हॉस्टल था मीगो यस हॉस्टल, जो कि भाई काफ़ी अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप शंघाई आओ तो यहाँ रुक सकते हो। मैं यहाँ 2 हॉस्टल में रुका शंघाई में, सबसे अच्छा मुझे दोनों में से ये लगा भाई, क्योंकि इसकी सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और भाई जो इसका स्पेस है और कॉमन एरिया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, रूम भी बहुत अच्छा था। तो दूसरा वाला हॉस्टल था डे इन हॉस्टल, वहाँ का जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा था। और अगर आपको शांति चाहिए तो शांति के लिए भाई ये जगह अच्छी है। और ये सराउंडिंग देखिए यार, लंबी सी बिल्डिंग है और ये भाई हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर मैं खुद से टैक्सी बुक कर रहा हूँ तो भाई बहुत महंगी मिल रही है और समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे बुक करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर यहाँ चाइना में भाई बहुत खतरनाक वाला है। तो रिसेप्शन पे बोल दिया, यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है और टैक्सी के मुझे लग रहे 20 युआन, जो ठीक है भाई, भूख लगी खाते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेशन वहाँ से चलेंगे। टैक्सी आ गई भाई, टैक्सी हमारी भाई, लोग जो होते हैं बड़े हेल्पफुल होते हैं। या स्लिप, एक स्लिप दे दिया मुझे 20 युआन, ये भाई ले लिए और मुझे एक ये स्लिप मिली है, लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं। ओके शेशे शेशे शेशी मतलब होता है भाई थैंक यू। तो देखिए भाई टैक्सी आ गई है भाई, ये टैक्सी भी इलेक्ट्रिक टैक्सी है भाई, ऑलमोस्ट यहाँ गाड़ी चलती है ना भाई सारी इलेक्ट्रिक चलती है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई चाइनीज जो लोग होते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही मदद करने वाले लोग होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पर कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, लैंग्वेज बैरियर जो है ना भाई, मेरी तकरीबन 30 कंट्री हो गई है और इतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर मैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा भाई। मतलब यहाँ पर लोग जो इंग्लिश बहुत ही कम बोलते हैं, और उससे बड़ा जो इशू है कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी जो ऐप है बाहर की वो बैन है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट जिसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल मैप जो कहाँ जाने
कैसे जाना है वो सारा देखते हैं। तो यहाँ वो सारी चीज बैन है, यहाँ की लोकल चीजें हैं, लोकल एप्स है मैप के लिए और कैब्स के लिए, लेकिन भाई उसमें इशू क्या है, वो भी सारी चाइनीज में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लोग, लेकिन भाई एक नंबर है यार, बहुत मस्त लोग है, हेल्प करने के लिए हरदम रेडी रहेंगे। भाई जब से मैं आया हूँ ना एक बार भी इंडियन खाना नहीं खाया हूँ, क्योंकि भाई मैं कल भी गया था लेकिन वहाँ वो बंद कर दिए थे, तो बोलते 2 से 5 के बीच में बंद रहता है, तो यार आज होपफुली मिल जाए। तो भाई साहब ये रहा हमारा मसाला इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि भाई काफ़ी अच्छा दिख रहा है, चलते हैं अंदर। तो यार ये रेस्टोरेंट अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा फैंसी और इंडियन टच देने की कोशिश की है, देख सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा। तो ये देख सकते हो मेरा खाना आ गया है, मैंने ऑर्डर किया है भिंडी प्याज़ा, देख सकते हो सामने भिंडी, और ये रही रोटी, और भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा यार, देखिए बिल ये कुछ मिला है मुझे 98 यौन का, जो होता है तकरीबन 1100 रुपये, तो थोड़ा सा महंगा है। तो भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो वहाँ से निकले हम इंडियन रेस्टोरेंट से, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा था और खाना जो था वो एवरेज था। अगर आप भाई कहीं दूसरी कंट्री में आए और हरदम इंडियन फूड खाओगे तो भाई फिर आप तो लुट जाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है नॉर्मली। तो हम चलते हैं यहाँ से, हमको जाना है एक मेट्रो स्टेशन, और जो मेन स्टेशन है जहाँ से हमको जाना है शंघाई का, जो मेन स्टेशन है जहाँ से बुलेट ट्रेन लेना है हमको, वो यहाँ से तकरीबन अभी 10-12 किलोमीटर दूर है, तो हम यहाँ जा रहे हैं नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पे। ऐसा कुछ सारा नज़ारा है भाई, काफ़ी शांत सा एरिया है, आप देख सकते हो ज़्यादा भीड़ भड़का होता नहीं है, जबकि इस सिटी की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 2,70,00,000 है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ भड़का है नहीं। तो भाई शंघाई के रोड पे आप लोगों को हर जगह ऐसी साइकिल देखने मिलेगी, सिर्फ इसको आपको बारकोड स्कैन करना है और लेके जाना है, और भाई काफ़ी अलग अलग स्कूटर अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी यहाँ पर, सारी इलेक्ट्रिक रहती है। और भाई सबसे अजीब और सबसे अलग चीज़ दिखी ना भाई मुझे वो ये रिक्शा लगता है भाई, एक सीट है और पीछे शायद एक लोग बैठ सकते हैं और एक या दो पे बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत पतली सीट है यार, काफ़ी अजीब काफ़ी अलग अलग चीज़ देखने मिलती है भाई यहाँ पे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा धूप है यार, देखिए सब छतरी ले लेके चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप है ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है भाई, बारिश में इतनी छतरी नहीं दिखती जितनी भाई ये धूप में है भाई, बहुत तगड़ी वाली धूप है और टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री है, तो थोड़े से चटके जैसे लग रहे हैं। हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं मेट्रो स्टेशन, हाँ यही है क्या, हाँ यही है। तो भाई गलती से दूसरे मेट्रो स्टेशन पर चले गया था, लाइन 11 पे चले गए था, मुझे लाइन 2 में जाना था भाई। जो शंघाई का मेट्रो सिस्टम है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, तकरीबन 19 लाइन है, 19 लाइन्स है, और एक एवरेज डेली तकरीबन 1,20,00,000 लोग ट्रेवल करते हैं भाई, तो शंघाई की मेट्रो में 1,20,00,000 डेली भाई, सोच सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, 506 लगभग स्टेशन है भाई, 506 स्टेशन, 19 लाइन और 1,25,00,000 लोग डेली। ये देखिए भाई अंदर से हमको टिकट लेने जाने का है, देखिए लाइन 1 लाइन 2 एग्जिट 3, ये देखिए इधर पे है लाइन 13, हमको लाइन 2 पे जाना है। तो भाई देखिए यहाँ से एंट्री है, लेकिन हमको टिकट निकालना है यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ टिकट कैसे निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ से इंग्लिश में करना है, इंग्लिश के, फिर उसके बाद लाइन सेलेक्ट करना है लाइन 2 पे, हमको हम यहाँ पर है अभी और हमको जाना है यहाँ पर, देखिए भाई 4 यौन की टिकट है, डाल सकते हैं 10 की नोट डायरेक्ट, ऐसा गई भाई 10 की नोट गई, अरे रिटर्न क्यों दे दिया, तो देखिए भाई 6 यौन रिटर्न आए हैं और ये सिंगल जर्नी टिकट, तो चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले भाई आप लोगों को सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है यहाँ पर, और हमको जाना है ये लाइन 2 से इस तरफ वाले रूट पे, हमको सेकंड लास्ट स्टेशन जाना है जो कि भाई बुलेट ट्रेन स्टेशन है शंघाई का, और ये देखिए भाई ऐसी कुछ है यहाँ की मेट्रो, देखिए उस रूट की मेट्रो आई है, ऐसा कुछ होता है, वो दरवाजे से पहले एक मेन डोर और होता है, देखिए यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं कर सकता, और यहाँ देखिए सामने वॉशरूम भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर, ऐसे कुछ होते हैं मेट्रो स्टेशन शंघाई के। ये देखिए भाई हमारी ट्रेन आ गई, हर 2 से 3 मिनट में ना भाई आपको यहाँ ट्रेन मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, हर 2 से 3 मिनट भाई, कभी कभी तो 1 मिनट के अंदर आ जाती है, अभी देखिए मैं बात कर रहा था आ गई मेट्रो। चलिए भाई इतनी भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है, चलिए मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखाता हूँ। तो भाई देखिए इस मेट्रो से आए हैं और भाई पहुंच गए हैं स्टेशन, अब यहाँ से शायद एग्जिट करना है, ऊपर के साइड होगा यहाँ का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है। भीड़ देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा लोग निकले हैं, देखिए
काफ़ी भीड़ हो गई भाई एक ट्रेन से इतने सारे लोग निकले। तो भाई देखिए निकल के बाहर तो आ गए, यहाँ लिखा भी है हाई स्पीड रेलवे, लेकिन भाई टिकट काउंटर ही नहीं मिल रहा यार। टिकट कहाँ से निकाले यार, किससे पूछूँ, किससे पूछना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी ओके। भाई लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, अभी खुद नहीं मालूम तो ये खुद ढूंढ रहे हैं कि भाई किससे पूछते हैं। ओके अच्छा इनसे पूछना है। एक्सक्यूज़ मी सॉरी आई डोंट नो 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 चाइनीज ओके ऑन द साइड देयर ओके शे विंडो। अच्छा तो भाई इस तरफ बताया कि देखिए इस तरफ है विंडो, जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत कम भाई समझते हैं और डायरेक्ट मना कर देते हैं कि भाई हमको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मदद करना होता है। ये देखिए भाई यहाँ पर है, तो यार मुझे लग रहा है कि ये वाली जो है ये विंडो है हाई स्पीड रेलवे की, जो बुलेट ट्रेन है उसका विंडो। अबे यार यही बहुत प्रॉब्लम होती है, देख सकते हो आप सिर्फ चाइनीज़ में लिखा हुआ है यार, टाइमिंग से लेके टाइमिंग तो चलो खाली नंबर लिखा हुआ है, बाकी तो पूरा चाइनीज़ में लिखा हुआ है भाई। ये बहुत प्रॉब्लम होती है, नाम पक्का मुझे मालूम है कि भाई जो काउंटर पे बैठे रहेंगे उनको चाहे उनको इंग्लिश बोलने आता नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए पूरा अभी इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मुझे 10 मिनट लगेगा इसमें, यहाँ तो कोई समझ रहा नहीं है मैंने। देखिए भाई ये ट्रांसलेटर पे ये लिख दिया हूँ, अब पूछते हैं किससे, दिखाते हैं किसी को, पुलिस वाले से पूछते हैं भाई। एक्सक्यूज़ मी तो भाई यहीं से निकालना है। देखिए भाई ये ट्रेन मिली है 4:17 पे, मेरा पासपोर्ट लिए, सारी टिकट का प्रोसेस चल रहा है, और 73 यौन की मिली है जो कि ठीक है यार, काफ़ी ठीक है। तो भाई ये रुके हैं, बहुत मेहनत से समझाना पड़ा, देख सकते हो आप, मैं पूरा ऐसा लिख के समझाया था, पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया था। टिकट तो मैं निकाल लिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा 73 यौन की मिली, जो होते तकरीबन 800 रुपये, तो 800 रुपये 200 किलोमीटर के लिए बुलेट ट्रेन में ठीक है यार, लेकिन अब जाना किस तरफ है भाई। देखिए यहाँ टिकट तो निकाल लिए, यहाँ घूमा कोई समझ में नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है भाई, इन्फॉर्मेशन डेस्क के शायद, और लेकिन यहाँ कोई है नहीं इन्फॉर्मेशन बताने के लिए भाई जाना किस तरफ है यार। यार ढूंढता हूँ मैं भी, किसी से पूछता हूँ। एक्सक्यूज़ मी कैन यू टेल मी इसे इनसे पूछता हूँ, पुलिस वाले से। एक्सक्यूज़ मी हेलो सर। तो भाई इस तरफ जाना है यार, अभी जाके थोड़ा कंफर्म, पुलिस वाले बताते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता है, इस तरफ जाना है भाई। यहाँ पे एयरपोर्ट जैसा सेम तगड़ी वाली सिक्योरिटी है, देखिए भाई, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो भाई लेडीज़ है, सिक्योरिटी गार्ड लेडीज़ है भाई। देखिए यहाँ से चेक इन करके निकले हैं सिक्योरिटी चेक करवा के, जो सिक्योरिटी गार्ड थे भाई सारी लेडीज सिक्योरिटी गार्ड है भाई, और वही सारी लेडीज जेंट्स का भी चेक कर, जेंट्स को भी चेक कर रहे हैं भाई, तो यार अलग सिस्टम एकदम। ये भाई टर्मिनल है कि एयरपोर्ट से भी खतरनाक बना के रखे हैं यार, ये देखिए क्या ज़्यादा बड़ा है भाई। ये देखिए यहाँ पे 28B और हमारी जो टिकट है वो 15 से है, तो हमको आगे तक चल के जाना पड़ेगा भाई। भीड़ देखिए यार यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं यार, ये देखिए इतने लोगों में मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही एक फॉरेनर और मैं सिर्फ एक इंडियन हूँ, बाकी सारे चाइनीज़ है भाई। देखिए खतरनाक वाली भीड़ है यार, मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही एक फॉरेनर हूँ और मुझे दिख भी नहीं रहा है कोई भी, सारे चाइनीज़ है भाई। ये देखिए और कहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ, देखिए मैं वहाँ से कोने से आ रहा हूँ, और हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से 15A से है भाई। भाई लोग में ना एक वो दिख रहा हूँ भाई, जैसा होता है ना ऑड मैन आउट, बीच में सब मुझे ही देख रहे हैं क्योंकि और कोई है ही नहीं है फॉरेनर कोई। तो भाई देखिए मुझे इस गेट से एंटर करना है, अभी तो मेरी बोर्डिंग चालू नहीं हुई है और सीट पे भाई एक भी जगह नहीं है, पीछे सीट देख सकते हो पूरी भरी हुई है, इतने ज़्यादा लोग हैं। तो भाई मैं ये नीचे बैठ गया और क्या करूँ, मैं खड़े खड़े थक गया एकदम मैं, और मेरे बाजू में एक चाइनीज़ भाई भी बैठे हुए थे, ठीक है यार, लेकिन भाई यार ट्रैवल इतने ज़्यादा लोग करते हैं भाई, ये बुलेट ट्रेन में इतने ज़्यादा लोग, एक जगह ही नहीं है, थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। तो गेट जैसे चालू होता है यहीं से निकलेंगे भाई, मैं तो डायरेक्ट देखिए
सब इधर लाइन लगा के रुके, मैं इधर से डायरेक्ट चले जाऊंगा क्योंकि भाई फॉरेनर होने का कुछ तो फायदा उठाऊं मैं। तो भाई पहुंच गया बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे। भाई ऊपर इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा लोग, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो भाई बिल्कुल खाली है। देखिए एकदम टाइम से भेज रहे हैं भाई, ट्रेन का टाइम हो रहा है तभी भेज रहे हैं, उससे पहले नहीं भेज रहे हैं। भाई देख सकते हो कितना अच्छा मैनेज करके रखे हैं, लोग हैं ही नहीं। अभी मेरी ट्रेन का टाइम हुआ तो जो मेरी ट्रेन के लोग हैं उन लोगों को छोड़ रहे हैं। तो भाई काफ़ी सिस्टम जो चलता है। मेरा डब्बा शायद आगे, पूछता हूँ फिर भी मैं ये हमारी टिकट दिखा के। एक्सक्यूज़ मी दिस, आगे भाई आगे। तो भाई देखिए ऐसी कुछ है ट्रेन, और काफ़ी बहुत सारी ट्रेन खड़ी हुई है भाई। ये देखिए एक तो ये सामने खड़ी हुई है, वहाँ पर खड़ी हुई है, कम से कम भाई मेरे हिसाब से 20 से 25 प्लेटफॉर्म है, और ज़्यादा होंगे भाई, 20-25 नहीं है भाई। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ से 30 नंबर तक का तो प्लेटफॉर्म यही दिख रहा है भाई। उसके आगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और सफाई वगैरह देखिए यार क्या ज़्यादा साफ है, और सिस्टमेटिक कितना अच्छा है यार। ट्रेन देखिए यार, ये देखिए बहुत मस्त ट्रेन लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा मस्त ट्रेन लग रही है। और ये अच्छा ही, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी ट्रेन का नंबर, ये ट्रेन का नंबर है, और ये बोगी नंबर है 8, और जो मेरी सीट है वो है नंबर 6 में। यार क्या खतरनाक ट्रेन है यार, बहुत मस्त दिख रही है। देखिए देखिए खड़ी हुई है यहाँ पर भाई। स्टेशन जो है वो पूरा बंद है, लेकिन यहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं। देखिए यहाँ पे मतलब स्टेशन पे सिगरेट पी सकते हैं, वो भी बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे। देखिए मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, ये वाली ट्रेन है। हेलो सिगरेट पी रहे, देखिए भाई यहीं पे प्लेटफॉर्म पे सिगरेट पी रहे भाई, क्या बात है यार, मस्त लगा एकदम। जो लोग सिस्टम बैठा के रखे ना यार, मुझे बहुत पसंद आया। ये 7 नंबर कोच है, ये 6 नंबर है, तो शायद मेरा यही बोगी में है। ये देखिए नंबर 6, देखते हैं चलते भाई, मैं अंदर से देखता हूँ भाई, मेरा भी पहला इंप्रेशन देख। ओए ओए मस्त है यार वॉशरूम। मैं आपको अच्छे से टूर बाद में देता हूँ, पहले ऐसे देख लेते हैं भैया। तो सीट वगैरह देखिए, यार अभी तक लोग ज़्यादा आए नहीं हैं। मेरी सीट कौन सी है यार, 15A, किसी से पूछ। हाँ 15, एक्सक्यूज मी दिस वन, ये दिस वन। हाँ तो भाई ये वाली सीट है मेरी 15A। देखिए यहाँ डिटेल यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए 15A मतलब विंडो, और 15C जो है वो आइल वाली सीट है। बैग वगैरह अच्छे से रख ले तो फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा भाई कैसी है। भाई बिल्कुल टाइम से देख सकते हो, 4:17 की ट्रेन थी, 4:17 पे निकल गई भाई, कुछ भी लेट नहीं, एकदम प्रॉपर टाइम पे। ये देखिए भाई सामने भी खड़ी हुई है बुलेट ट्रेन, मैं इसका इंजन दिखाता हूँ। अरे इंजन नहीं, तो पीछे का साइड है भाई। ट्रेन तो अपने बराबर टाइम पे निकल गए, एकदम 4:17 पे, और मेरा ख्याल है भाई 50 मिनट या फिर 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे भाई, क्योंकि मैं नेट पे टाइम देखा था, वहाँ 55 कोई ट्रेन ले रही थी, 55 मिनट्स को ले रही थी, 50 मिनट को ले रही थी, 1 घंटा कोई ले रही थी, 1 घंटा 2 मिनट। तो भाई आप सोच सकते हो तकरीबन 225 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे के अंदर कवर कर देगी। तो भाई कितना फास्ट चलती है। ये व्यू वगैरह तो आप देखिए ऐसा आ रहा है अभी फिलहाल, अब भी चलिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखिए भाई पुलिस वाले भी आ गया, और दिखाने के लिए भाई जो लेग स्पेस है ना भाई, ये सेकंड क्लास है। और आप लोगों को बता दूं इस बुलेट ट्रेन में 3 क्लास है, एक तो भाई बिजनेस क्लास है, और दूसरा जो है फर्स्ट क्लास है, और ये जो है सेकंड क्लास है। बिजनेस क्लास है उसकी टिकट तकरीबन जो थी वो 2400 रुपये की थी, और जो फर्स्ट क्लास थी वो 1400 रुपये की थी, और ये जो सेकंड क्लास है ये मिल गई तकरीबन 800 रुपये की। तीनों क्लास में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बिजनेस क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है। देखिए जैसे ये ट्रे रहता है वैसे ट्रे है इधर भी, और लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और चार्जिंग के लिए देख सकते हो आप वो चार्जिंग पॉइंट भी बने हुए हैं, और कन्वर्टेबल सीट है, बटन यहाँ से प्रेस करेंगे तो पीछे जाती है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। और बाकी चीज़ आप देख सकते हो, ये देखिए मतलब ये जो आप देख रहे हो सेकंड क्लास है, इसलिए यहाँ 3 सीट लगी हुई है। फर्स्ट क्लास रहती तो 2 सीट रहती, फिर यहाँ 2 सीट रहती, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, काफ़ी ठीक ठाक है यार। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, और भी आप लोगों को थोड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ और क्या क्या है ट्रेन में।
तो हम निकल गए शंघाई शहर से बाहर, और बाहर निकलते साथ आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ फैक्ट्रियाँ आ रही है, जो कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई साथ ही साथ यहाँ देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, रोड, मतलब हम शहर से बाहर निकल गए फिर भी रोड आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे अच्छे लग रहे हैं। और थोड़े थोड़े टाइम पर आप देख सकते हो भाई बिल्डिंग के, बहुत सारे बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, और ग्रीनरी बहुत अच्छी है भाई। मतलब शहर से जैसे ही बाहर निकले ना, ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यार मुझे पता नहीं था कि भाई एक स्टेशन पे भी रुकेंगे। देखिए एक स्टेशन पे रुकी है अभी, पता नहीं क्या नाम है स्टेशन का, और सादा सा स्टेशन है, कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर सिर्फ समझ ले 20 मिनट चली है और रुक गई है स्टेशन पे, तकरीबन यहाँ 3-4 मिनट और रुकेगी। और यहाँ देखिए भाई, वहाँ तो दिख रहा नहीं था, यहाँ देखिए ऐसी ट्रेन है ये, चलते है भाई, कभी बंद हो गया तो मसला हो जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ दिखती है। यहाँ थोड़ा सा बैग रखने की जगह आप देख सकते हो, यहाँ लॉकर वगैरह भी है देखिए, और सारा ऊपर रखने की, ऊपर सामान रखने की जगह है। यहाँ 3 सीट है, यहाँ 2 सीट है, वॉशरूम नहीं है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे वॉशरूम नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा आगे, वो उस साइड चलते हैं। देखिए अच्छे लोग है भाई, वॉशरूम ढूंढते हैं भाई कहाँ पर है। और यहाँ पे ना, और भाई यहाँ पे ऐसा भी चीज़ है, जैसे फ्लाइट में फ्लाइट वो आते हैं ना एयरोस्टर सामान बेचने, तो यहाँ भी सामान बेचने के लिए देखिए ये लोग आते हैं। और वॉशरूम किस तरफ है? हाँ ये वॉशरूम इस तरफ है, देखिए भाई वॉशरूम ऐसा कुछ है, काफ़ी ठीक ठाक वॉशरूम है। देखिए भाई मेरी सीट है पीछे बिल्कुल, सब सो गए हैं यार। अभी बज रहे हैं 5:18 और शायद पहुंच गए हैं हंजाओ स्टेशन, क्योंकि भाई मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी और उतरा तो मैं थोड़ा सा मैप में देखा तो हंजाओ पहुंच गए थे, तो डायरेक्ट उतर गया। अभी तक मैं कंफर्म नहीं किया कि हंजाओ स्टेशन है कि नहीं, पूछ लेता हूं मैं किसी से। एक्सक्यूज मी दिस, ओके हाँ भाई पहुँच गए हंजाओ स्टेशन। आपको बताया था मैं 4:17 पे हम वहाँ से निकले थे, और देखिए 5:19 उतरे हुए 2 मिनट हो गया, तो तकरीबन 1 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर दिए भाई। ये देखिए ये ट्रेन थी, और देखिए वहाँ पे एक और ट्रेन आ रही है भाई। बहुत ही मस्त सिस्टम है यार, बहुत ही मस्त कनेक्टिविटी है इनकी भाई, ये बुलेट ट्रेन की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यार। 1 घंटे में 200 किलोमीटर कैसे चलते हैं भाई? तो लगभग मैं बाहर निकल गया था, लेकिन मैं वापस आया, बोला भाई मैं तो ट्रेन बराबर देखा ही नहीं। तो ये रही भाई हमारी बुलेट ट्रेन जिससे हम आए थे, वो देखिए भाई एक और ट्रेन आई, एक और बुलेट ट्रेन आई भाई। भाई चाइना की बुलेट ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं है भाई, सऊदी की बुलेट ट्रेन में बैठा हूँ भाई उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। चाइना की जो स्पीड में चलती है और अफोर्डेबिलिटी भाई, सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है भाई। 200 किलोमीटर मुझे 50 मिनट के अंदर पहुंचा भी दिए, और तकरीबन 800 रुपये में। यही चीज़ मैं सऊदी में लिया था, सऊदी की बुलेट ट्रेन में, तो भाई मुझे तकरीबन 400 किलोमीटर जाने के लिए 5,000 देना पड़ा था, और वो लिए थे तकरीबन 2.5 घंटा। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई। देखिए एक और बुलेट ट्रेन आ गई है सामने, और हम तो हमारे स्टॉप पर पहुँच गए हंगजाऊ, यहाँ से उतरते हैं नीचे और चलते हैं फिर भाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यार, मज़ा आ गई यार, मज़ा आ गई अंदर भाई। स्पीड बैठ के मालूम ही नहीं पड़ती कि भाई 350-400 की स्पीड पे चल रही है, मज़ा आ गई यार। मतलब एक्सपीरियंस, और साफ़ सफाई जो रखे है ना भाई, एकदम परफेक्ट रखे हैं। इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं बुलेट ट्रेन से, लेकिन भाई जो सिस्टम रहता है ना, इतना प्रॉपर करके रखे हैं। जो टाइम से ट्रेन आ रही है वो लोग को ही भेजते हैं, और बाकी लोग को वहीं भारी रुका के रखते हैं, तो बहुत अच्छा। देखिए भाई अभी ट्रेन छूटी है, लोग खाली हो गए पूरे, एकदम सिस्टम से लोग अपना अपना चले गए, कोई स्टेशन पे कोई भी नहीं रुका हुआ है। तो हम भी चलते हैं यहाँ से, मेट्रो पकड़ते हैं और निकलते हैं। आप लोगों को बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक जहाँ हमको जाना है वहाँ मेट्रो लाइन 4 जाएगी, तो वहाँ चलते हैं भाई। अभी बीच में अभी क्या मेट्रो फिर से दिखाना, डायरेक्ट मैं आप लोगों को वहीं मिलता हूँ। तो भाई बुलेट ट्रेन स्टेशन से मैं मेट्रो लेके आ गया हूँ ज़ीजियांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जब मैं चाइना का वीज़ा अप्लाई कर रहा था मुंबई में, मुझे कुछ मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर भाई आप चाइना आओगे तो ज़रूर विज़िट करना, तो इसलिए मैं आ गया भाई। अब शंघाई से ज़्यादा दूर नहीं था, 200 किलोमीटर दूर था, और कुछ लोग बुला भी रहे थे, तो भाई आ गया मैं। और यहाँ भाई यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ, ये कोई भाई शंघाई जैसी बड़ी सिटी नहीं, लेकिन फिर भी यार डेवलपमेंट देखिए भाई। यहाँ की बड़ी सिटी जाओ छोटी सिटी जाओ भाई, यहाँ के नज़ारे और यहाँ की सफाई, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है भाई। ये देखिए, और मेरे पीछे देख रहे हो यही वाली यूनिवर्सिटी जहाँ इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं मेडिकल। और ये इधर मेट्रो स्टेशन से मैं निकला हूँ, तो रुकते हैं भाई, बस वो आते ही होंगे, गणेश भाई आ रहे हैं।
तो फिर देखते हैं भाई क्या प्लान बनता है का। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं इंडियन मेडिकल, तो भाई इंडियन स्टूडेंट जो चाइना में रहते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे यहाँ पे कि वो रहते कैसे हैं, क्या सिस्टम है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो गणेश भाई आते हैं तो फिर हम चलते हैं।